Excuse me. आपका वॉलेट गिर गया था। थैंक यू। तुमको पता है मरने वाले को यह जानने का पूरा हक होता है कि उसकी इस हालत का जिम्मेदार कौन है, किसने उसे मारा और कैसे। तुमको भी है। तुमको बता दूं कि तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार मैं ही हूं। मैंने ही तुम्हारी गाड़ी के ब्रेक फेल किए थे। ब्रेक फेल भी हुए, एक्सीडेंट भी हुआ, लेकिन तुम बहुत जिद्दी और बहुत ही ढीठ किस्म की हो। तुम मरने का नाम ही नहीं ले रही हो। लेकिन अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अब तुम्हें मरना ही पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो जिंदगी पूरा मान जाएगी। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। चिंता मत करो, दुर्गा माता सब ठीक कर देगी। लगता है दुर्गा माता में बहुत विश्वास रखती हैं आप। हाँ जी राजीव जी, आप जानते हैं एक बार क्या हुआ था। ट्विंकल को ना बहुत तेज बुखार था, बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था, दवा भी असर नहीं कर रही थी। और कोइंसिडेंटली उस दिन घर में ना माता रानी की पूजा थी। पांच कंचिके भी आए हुए थे, पांच छोटी सी बच्चियां माता रानी के रूप में। तो मैंने उनकी पूजा की, पांव धोए अपने हाथों से और लंगर प्रसाद भी दिया उन्हें। और आप जानते क्या हुआ? क्या? बस मेरा बेटू जी जो है छत से ठीक हो गया। मानो माता रानी ने मुझे आशीर्वाद दिया। उसी दिन से मुझे यकीन हो गया राजीव जी कि बाबा जी की तरह माता रानी भी मेरी रक्षा करेंगी एक माँ बनकर। और उसी दिन से इन पर मुझे अटूट विश्वास हो गया। पर ऐसा भी तो हो सकता है दलजीत जी के दवाइयों के असर से ट्विंकल ठीक हो गया हो, बुखार उतर गया हो। ऑफ कोर्स हो सकता है राजीव जी। सोचने वाली बात यह है कि यही दवा पहले असर नहीं कर रही थी। विश्वास जो है वो एक बहुत बड़ी शक्ति है, एक ऐसी शक्ति जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर देती है। मम्मा, मम्मा क्या हुआ मम्मा को?
किसी ने इनका ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर दिया। पर डॉक्टर, हॉस्पिटल में ऐसे कैसे हो सकता है? इसका पता हम लगा रहे हैं, लेकिन बैड न्यूज ये है कि ऑक्सीजन बंद होने की वजह से इनको बचाना और भी इम्पॉसिबल हो गया है। कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी, बट वी विल ट्राई आवर बेस्ट। लगता है दुर्गा माता में बहुत विश्वास रखती हैं आप। हाँ जी राजीव जी, ट्विंकल को ना बहुत तेज बुखार था, बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। और कोइंसिडेंटली उस दिन घर में ना माता रानी की पूजा थी, तो मैंने उनकी पूजा की, बस मेरा बेटू जी जो है छत से ठीक हो गया। मुझे यकीन हो गया राजीव जी कि बाबा जी की तरह माता रानी भी मेरी रक्षा करेंगी। उस दिन घर में ना माता रानी की पूजा थी, पांच कंचिके भी आए हुए थे, पांच छोटी सी बच्चियां माता रानी के रूप में, तो मैंने उनकी पूजा की, पांव धोए अपने हाथों से और लंगर प्रसाद भी दिया उन्हें।
मैंने और दलजीत जी ने हमने शादी कर ली है। तो राजीव जी, एक और अतरंगी आइडिया आया मेरे दिमाग में इस शादी को रोकने के लिए। भाग चलते हैं यहां से। क्यों नहीं समझ पा रहे हो कि मैं आपसे प्यार करती हूँ राजीव जी? आई लव यू। और मुझे हुआ है ना, तो ये मेरी प्रॉब्लम है। और वैसे भी मैं थोड़ी ना आप पर कोई प्रेशर डाल रही हूं। राजीव जी, राजीव जी, राजीव जी, राजीव जी, राजीव जी, मिस्टर राजीव, आपके विश्वास की जीत हुई। आपने तो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर दिया, क्योंकि जो कुछ भी हुआ उसे एक चमत्कार ही कह सकते हैं। डॉक्टर साहब, अगर आज दलजी जी ठीक हुई हैं तो उसमें एक हाथ विज्ञान का है और दूसरा विश्वास का। मगर इन दोनों हाथों को मिलाने वाली जो पावर है, उस पावर का नाम है द पावर ऑफ लव।
टीटू के पापा। कहीं सोच रहे हो? वही सोच रहा हूं जो तू सोच रही है। अपने छोरे को एक बार फिर टूटा हुआ देख रहा हूं। एक बार पहले भी टिट्टू ऐसे ही टूट चुका है, बिखर चुका है। जाने बहू के एक्सीडेंट के बाद तो बिल्कुल ही बेहोशा हो गया था। उसे अपनी होशी खोनी थी। और फिर जाने बहू भी आज दलजीत के एक्सीडेंट ने उसे जाह्नवी बहू के एक्सीडेंट की याद दिला दी। और यही बात छोरे को अंदर खाने खाए जा रही है, क्योंकि जाह्नवी बहू हॉस्पिटल से वापस को नहीं आई थी। एक बात तो पक्की है टिटू की माँ, आज दलजीत में कहीं ना कहीं टिटू ने जाह्नवी बहू को महसूस तो किया। यो बात तो पक्की है। What is this? कोई किसी से इतना प्यार कर सकता है क्या? प्यार? Just प्यार नहीं, इतना प्यार, ढेर सारा प्यार। कौन कर रहा है इतना प्यार, ममता जी? कौन कर सकता है? Of course, my G's. I tell you, दलजीत, जब भी जाह्नवी दी बीमार होती थी ना, तो वो बहुत घबरा जाते थे। बहुत प्यार से केयर करते थे उनकी, उसी तरह जिस तरह उन्होंने तुम्हारी की हॉस्पिटल में। पर इस बार ना उन्होंने एक चीज अलग की, उन्होंने 5 कन्याओं को दुर्गा माँ मानकर उनके पांव धोए, उन्हें अपने हाथों से भोग बनाकर खिलाया भी। आई थिंक उन्हें यकीन था कि देवी माँ का कुछ चमत्कार होगा, और देखो ना वैसा ही हुआ। उन्होंने तुम्हें खोकर फिर से पा लिया। That's why I said कि किसी को इतना प्यार हो सकता है क्या? तुम करेक्ट बोल रही हो आप ममता जी, यही गल ना मैं भी सोचती हूँ कि कोई किसी से भला इतना प्यार कैसे कर सकता है। लेकिन जब भी मैं राजीव जी का प्यार जाह्नवी जी के लिए देखती हूँ, तब जाह्नवी जी के लिए, मेरे लिए उन्होंने जो भी किया ना ममता जी, वो केयर था, कंसर्न था। राजीव जी है ही इतने अच्छे, सबके बारे में सोचते हैं, सबसे प्यार करते हैं, केयर करते हैं। और शायद मेरी जगह कोई और होता ना, तब भी राजीव जी यही करते। व्हाट इज दिस? आई मीन आई नो चीज ऐसे है, लेकिन यू नो जनरली ऐसा होता नहीं है। आई मीन टू से कि अगर कोई एक साल के लिए ऐसे हस्बैंड वाइफ बन के, फेक ही सही, लेकिन कुछ तो फीलिंग्स पैदा होती होंगी, है ना? क्या पता ममता जी, बस मैंने ये पता है कि राजीव जी हमेशा जाह्नवी जी से ही प्यार करते थे, प्यार करते हैं, और हमेशा उन्हीं से प्यार करते रहेंगे। पर मैं नहीं मानती, मुझे लगता है कि इंसान को दोबारा प्यार हो सकता है। What is this? दीज तो आज भी फुल ऑन डिमांड में है। माँ दलजीत दीज की फोटो देख रही है, और यहाँ आप, आपने हमेशा वही किया है जो दीज चाहती थी। भले ही उन्होंने कुछ कहा हो या ना कहा हो, आपने हमेशा समझा है कि दीज क्या चाहती है। एक बात है जो अपने दिल में छिपा के रखी है। बोलिए ना, मैं सुन रही हूँ। इस एक्सीडेंट में आपके पति की मृत्यु हुई, वो एक्सीडेंट जाह्नवी की वजह से हुआ था। मैं तो आपको कब से ढूंढ रही हूँ। क्यों? क्यों मतलब वो आप कुछ कहना चाह रहे थे ना मुझसे? जो मैं कहना चाह रहा था ना, वो मैंने सब कुछ चिट्ठी में लिख दिया। अरे ये चिट्ठी, अरे चिट्ठी का चिट्ठी जाह्नवी, मैंने बहुत कोशिश की दलजीत जी को सारा सच बताने की, पर
मेरी हिम्मत ही नहीं हो पाई। तुम्हारा इशारा समझ गया मैं जाने। जानवी जो चाहती थी वो तो मैंने कर दिया, पर वो जो चाहती है वो मैं नहीं कर पा रहा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।